अब सवाल ये है कि ये मौजू क्यों लिया गया। अगर आप गौर करें तो अल्लाह की मोहब्बत तमाम आमाल सालेहा की बुनियाद है। हर इंसान जो भी अमल करता है अगर उसे अल्लाह की मोहब्बत हो तो नेक अमल ही करेगा। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी खशियत, उसका खौफ दिल में होने से आमाल हमारे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि हम हर वक्त अल्लाह को याद भी रखेंगे। अल्लाह को याद रखेंगे तो हमें पता होगा अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हमसे बुरे अमल नहीं हुआ करेंगे। तो इंसान की, इंसानियत की मेराज तो यही है कि वो अमल करे तो हुब्बुल्लाह में करे, अल्लाह की मोहब्बत में करे, उसकी क़ुर्ब और क़ुर्ब हासिल करने की शौक़ में करे, उसकी रज़ा के पाने की ख्वाहिश में करे। हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस तरह से दुआ करते थे कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी मोहब्बत का, वहब मैं युहिब्बुका और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करे, वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका और ऐसे अमल का जो मुझे तेरे नज़दीक कर दे, ऐसे अमल का जो तेरी मोहब्बत के नज़दीक कर दे, वजअल्ली हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व माली व मिनल माइल बाइद। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत को महबूब कर दे मेरी जान से ज़्यादा, मेरे माल से ज़्यादा, मेरे घर वालों से ज़्यादा और ठंडे पानी से ज़्यादा मेरा महबूब कर दे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।